स्वागत है आपका। हेलो हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी बोलिए, प्रश्न करिए। हाँ जी, मैंने बताया तो था, जो पहले भी किया ना फोन। जी, कोई सवाल रह गया मैं है अमृतसर से आपका? बोल अमृतसर से बोल रहा हूँ, बेअंत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैंने कहा कि मेरी डॉक्टर साहब से सीधी बात करवाएं। हाँ सीधी बात कर लीजिए। जी, सीधी बात हो रही है बेअंत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत। हाँ जी, जय हिंद जी। हाँ जी, मैंने बताइए। आपको पहले बताया था ना, मेरा सिर बहुत डोलता है, भारी रहता है, तो मेरे को घबराहट भी होती है। तो मैंने शुगर चेक कराई है, आपने बोला ना शुगर चेक कराओ, अच्छा तो मैं शुगर का चेक करवा गया हूँ। 93 निकली है खाए पिए में, जी, अच्छा उसकी वजह से मेरा जो घबराहट थोड़ी बहुत ही होती है, रात को भी होती है, दिन भी कभी कभी होती है, सिर भारी रहता है। अच्छा हकीम साहब, अभी इनकी कॉल लगी थी, हाँ, तुरंत इन्होंने अपनी शुगर चेक करी। अच्छा। जी खाने के बाद अगर 90 या 90+ है तो कम आई है शुगर। आप शुगर का ख्याल रखें अपने, शुगर को कम भी ना होने दें, क्योंकि जो शुगर आपकी खाने के बाद आई है वो खाने से पहले आती है, तो ये शुगर आपकी कम रहती है, इस वजह से आपका दिमाग भारी रहता है। शुगर थोड़ी सी खाने में ज़्यादा कर दें। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात बेअंत सिंह जी? हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? शुगर जो आपकी खाने से पहले आनी चाहिए थी वो खाने के बाद आई है। थोड़ी अच्छा जी, अच्छा थोड़ी शुगर आपकी कम रहती है, तो मीठी चीज़ खाते रहा करिए दिन में। कभी बिस्कुट खा लिए, कभी लड्डू खा लिया, कभी कुछ खा लिया, आप ये करेंगे तो आपको ये कैफियत बगैर किसी दवा के अच्छी हो सकती है। जी